हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूँ कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 है ना, ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स। तो ब्लड और ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, जो ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स कौन से होते हैं, याद होगा हमने ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा था, जो हमारा हीमोपोएटिक सिस्टम था, जहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे ब्लड फॉर्म करते हैं। तो वो वाला पार्ट तुम लोगों को दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। स्प्लीन वगैरह है अपना, बोन मैरो वगैरह है, वो सारी चीजें होती हैं। खैर, अब यहाँ पे मेन हमारा क्या रहेगा कि ब्लड ड्रग्स एक्टिंग ऑन द ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स। तो यहाँ पे मेनली हमारे पास जो दवाइयां रहने वाली हैं वो खून के ऊपर काम करेंगी, खून को जमाएंगी, जमा हुए खून को तोड़ेंगी, है ना, खून को बनाएंगी वगैरह वगैरह। चार लेक्चर में कवर अप हो जाएगा ये। तो पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं हीमाटेनिक एजेंट। हीमाटेनिक मतलब जो खून को बढ़ाएंगे हमारे शरीर में जब खून की कमी हो जाती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हाँ, इसको देखते हैं हम लोग। ओके, डेफिनेशन की बात करें तो हीमाटेनिक एजेंट में क्या क्या, हीमाटेनिक क्या है, दीज आर द सब्सटेंस रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। इसको मार्क कर लेंगे, हमेशा बोलता हूं। तो हीमाटेनिक जब नोट्स बनाओगे अपने तो सिंपल लिखोगे डेफिनेशन में क्या है, ब्लड फॉर्मिंग सब्सटेंस। सिंपल सिंपल क्या लिख सकते हो, ब्लड फॉर्मिंग सब्सटेंस, है ना। सिंपल एक लाइन में इसकी डेफिनेशन खत्म हो गई है। यानी कि तुमको खुद को याद रखना है, क्या करना है, तुमको खुद को याद रखना है कि हीमाटेनिक्स क्या है, जो ब्लड को फॉर्म करते हैं एंड आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया। अनीमिया क्या होता है, मेरे ख्याल से ना पूछा है तो अच्छा है, याद होगा अनीमिया जहां खून की कमी हो जाती है शरीर में। सीधी सी बात है, खून की जरूरत हमें कब होगी, जब खून की कमी हो जाएगी। अनीमिया में काम आएंगे कौन से, हीमाटेनिक एजेंट। खत्म हुई कहानी, है ना। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी हम लोगों ने इसको पढ़ रखा है। Anemia occur when the balance between production and destruction of RBG is disturbed. Anemia हो जाता है जब खून का बनना और RBC, है ना, खून का यानी कि red blood cells का जो बनना है और red blood cell का टूटना, इनमें अगर क्या हो जाए, balance बिगड़ जाए, है ना। हम सबको पता है RBC की life कितनी होती है, 120 days की होती है, 120 days के बाद वो खत्म हो जाते हैं। इनमें जब disbalance हो जाता है तो anemia हो जाता है, ठीक है। क्यों क्यों हो जाता है, कई सारे कारण हैं। जैसे पहला कारण है ब्लड लॉस हो जाए, एक्यूट या क्रोनिक, है ना, बहुत ज्यादा एक बार में हो जाए या बहुत लंबे समय से थोड़ा थोड़ा ब्लड लॉस हो रहा हो। इंपेयर्ड रेड सेल फॉर्मेशन, रेड सेल का फॉर्मेशन इंपेयर्ड हो जाए, गड़बड़ा जाए, रेड सेल प्रॉपर ना बन रहे हो। कब कब होता है, डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैक्टर्स सच एज आयरन, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। ये सारे के तीनों फैक्टर हमारे ब्लड के फॉर्मेशन में किसी ना किसी स्टेज पे, ब्लड सेल बनने में, उनके मैच्योर होने में, या ठीक है ना, किसी और चीज में कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं काम आते हैं, देखेंगे अभी हम लोग। दूसरा क्या है, बोन मैरो डिप्रेशन। हम सबको पता है बोन मैरो हमारा क्या है, ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन है, जहां पे हमारा ब्लड बनता है, उसका डिप्रेशन हो गया, वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा, डिप्रेस कर गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरप्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। एरिथ्रोपोएटिन डेफिशिएंसी, एरिथ्रोपोएटिन क्या होता है, एक तरह का सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो किडनी में पेरिट्यूबुलर सेल्स के द्वारा निकाला जाता है, जो कि रेड सेल बनने में, रेड ब्लड सेल बनने में हमारी हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं सारे टर्म्स पीछे कभी ना कभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। खैर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो एग्जाम में आएगा डायरेक्ट क्या आएगी, डेफिनेशन आएगी, थोड़ी सी बातें यहाँ समझ में आनी चाहिए कि क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा, सबसे पहले कौन सी चीज इस्तेमाल, यहाँ इस्तेमाल की जाती है आयरन, है ना, आयरन हमारा सीरप और टैबलेट दोनों के फॉर्म में इस्तेमाल होती है। मिसलेनियस या एडजुएंट, एडजुएंट होते हैं जो उसमें सहायक होते हैं, जैसे कि कॉपर, हीम सिंथेसिस, जो हीम पार्ट होता है आरबीसी का, है ना, हीमोग्लोबिन का, इज इंटरफेयर्ड इन कॉपर डेफिशिएंसी। अगर कॉपर की कमी हो जाए शरीर में तो हीम की जो सिंथेसिस होती है प्रॉपर नहीं हो पाती है। हाउएवर, हालांकि कॉपर इज अ ट्रेस मेटल, बहुत ही ट्रेस मतलब माइंड कम मात्रा में चाहिए होता है हमको, फॉर मैन एंड क्लिनिकल डेफिशिएंसी इज वेरी रेयर, इसकी क्लिनिकल डेफिशिएंसी बहुत ही कम होती है, लेकिन हाँ एक कंडीशन होती है, ठीक है। तो कभी कभी हमको कॉपर की, यानी कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया। देन पाइरिडॉक्सिन, पाइरिडॉक्सिन रिस्पॉन्सिव अनिमिया इज अ रेयर एंटिटी। पाइरिडॉक्सिन से जो अनिमिया होती है, यानी खून की कमी होती है, बहुत ही कम, रेयर, यदा कदा किसी को हो गया तो हो गया। इट इज ड्यू टू इनहेरेंट एबनॉर्मलिटी इन हीम सिंथेसिस, ये अगर होगा भी तो इनहेरेंट जेनेटिकली किसी वजह से होता है, अदरवाइज ये दोनों बहुत ही रेयर होते हैं। मेन क्या रहता है, आयरन की कमी हो जाती है या इसकी कमी होगी, जिसको हम कहते हैं मैच्योरेशन फैक्टर, यानी कि जब हमारा आरबीसी मैच्योर हो रहा होता है तो वहां पर विटामिन B12 और फॉलिक एसिड अपना रोल प्ले करते हैं। तो क्या लिख दिया है,
साइनोकोबालामिन एंड हाइड्रोक्सोकोबालामिन आर कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द डाइट एंड रेफर्ड टू एज विटामिन B12। तो B12 जब भी हम पढ़ेंगे तो वहां पे दो का नाम आएगा साथ में, साइनोकोबालामिन और हाइड्रोक्सोकोबालामिन। बात समझ में आ रही है? तो B12 का मतलब ये दो मिल करके क्या बनाएंगे, B12 बनाते हैं। तो इन्हीं कभी भी देखना जो हमारी B12 वाली कॉम्बिनेशन वाली दवाइयां होती है उसमें साइनोकोबालामिन और हाइड्रोक्सोकोबालामिन का मिक्सचर रहता है, ठीक है। तो मैच्योरेशन फैक्टर यानी कि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड हो गया। नाउ एरिथ्रोपोएटिन, एरिथ्रोपोएटिन मैंने बताया था क्या होता है, इसको हम EPO भी बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन है ना, ग्लूकोज और प्रोटीन से मिला हुआ एक कंपाउंड होता है, एक तरह का कंपाउंड कह लो या हार्मोन होता है, नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय द पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी। पेरिट्यूबुलर सेल्स, हम लोगों ने किडनी के सारे पार्ट को बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, पेरिट्यूबुलर पार्ट कौन सा होता है ना, ट्यूब्स के आसपास वाला पार्ट रहता है, तो वो वहां पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल ध्यान रखेंगे पेरिट्यूबुलर सेल्स जो होते हैं किडनी के वो एरिथ्रोपोएटिन को रिलीज करते हैं और ये स्टिमुलेट्स करते हैं रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को, यानी कि हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है वो कहीं ना कहीं एरिथ्रोपोएटिन के द्वारा होता है, जो कि किडनी के द्वारा एक तरह से हम कह सकते हैं रिलीज किया जाता है। अब हुआ क्या, हम लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से, यानी कि जीन्स है ना, आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, हम लोगों ने नेचुरल एरिथ्रोपोएटिन अल्फा बीटा बना लिया या डर्बेपोएटिन अल्फा बना लिया है। अब अल्फा बीटा क्या होता है, इट इज अ रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन एरिथ्रोपोएटिन इज एडमिनिस्टर्ड IV। इसको हम लोग आईवी के थ्रू जो एरिथ्रोपोएटिन अल्फा बीटा है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उस तरह से इंसुलिन बनाया जाता है उसी तरीके से हमने बना लिया है, इसको हम आईवी से देते हैं, या दिस इज अ हाइपरग्लाइकोसाइलेटेड मॉडिफाइड प्रिपरेशन ऑफ EPO। तो दो एरिथ्रोपोएटिन, एरिथ्रोपोएटिन को डायरेक्ट दे दो बॉडी में, ब्लड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। कौन कौन से आते हैं उसके अंदर, इपोएटिन अल्फा बीटा और डर्बेपोएटिन अल्फा बीटा, या विटामिन B12 फॉलिक एसिड अपना, या अपना आयरन है, क्लियर है। तो इनमें यही दवाइयां इस्तेमाल होती हैं, बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके की दवाइयां यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि ओवरऑल हमें क्या है भाई, आर्टिफिशियल खून थोड़ा ना देना, हमें बॉडी के अंदर कुदरती तरीके से खून को बढ़वाना है। तो जो कुदरती तरीके जहां जहां पे जो जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, जो हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है, हम उसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आई? नाउ फार्माकोलॉजिकल एक्शन यहां सबका देख लेते हैं, यहां से हमको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। आयरन, इट इज अ प्राइमरी रोल इन स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट आयरन, ठीक है, एज मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन थ्रू आउट द बॉडी, है ना। आयरन का मेन काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर भी आयरन होता है, उसके फंक्शन के लिए हमें आयरन की जरूरत पड़ती है हीमोग्लोबिन में, मायोग्लोबिन मसल्स का होता है, उसको भी हम यहाँ नहीं देख रहे। तो हीमोग्लोबिन जो हमारा ब्लड वाला पार्ट है, वहाँ पे हीम वाले पार्ट में आयरन की हमें जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा उसके वर्क करने के लिए। तो आयरन है ना, इसका मेन काम क्या है, स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना। तो कहीं ना कहीं जब आयरन की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, ठीक है, इसीलिए आयरन देना पड़ता है। तो जैसे हम आयरन दे देंगे तो वापस से स्टोर और ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। फॉलिक एसिड हेल्प योर बॉडी प्रोड्यूस एंड मेंटेन न्यू सेल्स, प्रोड्यूस करने में और मेंटेन रखने में नए सेल्स को हेल्प करती है, एंड आल्सो हेल्प्स प्रिवेंट चेंजेस टू DNA डेट में लीड टू कैंसर, ठीक है ना। हम यहां पे मेन फोकस करेंगे प्रोड्यूस एंड मेंटेन न्यू सेल, ठीक है, फॉलिक एसिड यानी कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं नए, वो बनते रहे और मेंटेन रहे, उसमें कौन हेल्प करता है, हमारा फॉलिक एसिड हेल्प करेगा। विटामिन B12 इज अ न्यूट्रिएंट दैट हेल्प कीप योर बॉडीज ब्लड एंड नर्व सेल्स हेल्दी एंड हेल्प मेक DNA, और DNA को बनाने में हेल्प करती है। हमारी बॉडी में DNA सेल टूटते हैं, जो DNA का रेप्लिकेशन होता रहता है नए सेल बनते वक्त, ठीक है। तो हमारा मेन काम यहाँ पर क्या आ गया, कीप योर बॉडीज ब्लड एंड नर्व सेल्स हेल्दी, हमारी बॉडी का ब्लड और जो नर्व सेल्स है। इसलिए कई बार देखा होगा जो तुम्हारे जो न्यूरोबियन फोर्ट वगैरह इस टाइप से टैबलेट वगैरह आती है या इंजेक्शन आते हैं, उसके अंदर तुम्हें विटामिन B12 है ना, जो कोबालामिन वाला कॉम्बिनेशन बता रहा था मैं, वो उसके अंदर मिल जाता है, ठीक है। फिर आते हैं एरिथ्रोपोएटिन इंटरैक्ट डायरेक्टली विद द EPO रिसेप्टर, जो EPO के रिसेप्टर्स होते हैं ना हमारी बॉडी में, एरिथ्रोपोएटिन निकलता है और जिन रिसेप्टर पे जाकर ये अटैच होता है, जिससे कि हमारा रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो एरिथ्रोपोएटिन जो हम देते हैं वो डायरेक्टली रिसेप्टर जाकर एक्ट करेगा ऑन द रेड ब्लड सेल, ठीक है, RBC सरफेस, ट्रिगरिंग एक्टिवेशन ऑफ सेवरल सिंगल ट्रांजेक्शन पाथवेज रिजल्टिंग इन द प्रोलाइफरेशन एंड टर्मिनल डिफरेंशिएशन ऑफ द एरिथ्रोइड प्रीकर्सर सेल्स, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या कर रहा है एरिथ्रोपोएटिन, क्या कर रहे हैं, रिसेप्टर पे जाके अटैच होते हैं और ट्रिगर करते हैं और एक्टिवेट कर देते हैं एक तरह से प्रोलाइफरेशन। प्रोलाइफरेशन मतलब होता है फलना फूलना बढ़ना और टर्मिनल डिफरेंशिएशन ऑफ एरिथ्रोइड प्रीकर्सर, जो हमारे एरिथ्रोइड मतलब RBC को बनाने वाले जो हमारे प्रीकर्सर सेल्स हैं उनको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करता है कि फाइनली, जिससे कि वो क्या बन जाए, RBC में कन्वर्ट हो जाए, एंड प्रोवाइडिंग
प्रोटेक्शन फ्रॉम आरबीसी प्रिकर्सर एपोप्टोसिस, और जो आरबीसी को एपोप्टोसिस खत्म करने वाली जो प्रोसेस होती है उससे बचाता है। तो एरिथ्रोपोएटिन क्या कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है कि नए रेड ब्लड सेल बने और रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन कम हो कहीं ना कहीं, है ना। एपोप्टोसिस प्रोसेस हम जानते हैं क्या होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। एपोप्टोसिस को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो ये चीजें तुमको कुछ दिमाग में रखनी है, सबके फार्माकोलॉजिकल एक्शन इनके हमारी बॉडी पे क्या क्या काम करते हैं जाकर के, सबका एक एक लाइन में आंसर दे सकते हो इसका, कोई बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं हमको। नाउ डोज की बात करें तो फॉलिक एसिड का डोज याद रखना है थेरेप्यूटिक 2-5 मिलीग्राम पर डे। प्रोफाइल एक्टिव मतलब प्रोफाइल एक्टिव होता है जिस तरह की, मतलब कि उसको बीमारी ना हो जाए, यानी कि होने की कगार पे होगा तो 0.5 mg पर डे दे सकते हैं। इपोइटिन 25-100 यूनिट पर kg सबक्यूटेनियस और आईवी 3 times a week, हफ्ते में 3 बार, मैक्सिमम 600 यूनिट पर kg पर वीक दे सकते हैं। डर्वेपोइटिन, ठीक है, ये सबके वो लिखे हुए हैं। विटामिन B12, साइनोकोबालामिन, ठीक है, 35 माइक्रोग्राम पर 5 ml लिक्विड, हाइड्रोक्सोकोबालामिन 500 माइक्रोग्राम या 1000 माइक्रोग्राम इंजेक्शन, जो देखा होगा तुम लोगों ने निरोबिन फोर्ट वगैरह या उनके जो इंजेक्शन आते हैं वहां पे तुमको हाइड्रोक्सोकोबालामिन और साइनोकोबालामिन मिल जाते हैं। द रेजिमेन यानी कि जो प्रॉपर पॉपुलर है यूएसए में इज विटामिन B12 100-1000 माइक्रोग्राम IM डेली, है ना। यूएसए में पॉपुलरली कैसे दिया जाता है, 100-1000 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलर देते हैं डेली और ऑन अल्टरनेट डेज, या एक दिन छोड़ के एक दिन फॉर 1-2 weeks, है ना। अपना अपनी कंट्री में भी ऐसा होता है, जब भी निरोबियन फोर्ट के इंजेक्शन लगते हैं तो वीक में एक बार या अल्टरनेट डेज में लगते हैं, फॉलोड बाय वीकली, कुछ दिन अल्टरनेट लगते हैं उसके बाद फिर हफ्ते में एक बार लगता है, फॉलोड बाय वीकली इंजेक्शन फॉर 6 months, और लगभग 5-6 महीने का लगता है। इफ न्यूरोलॉजिक डेफिसिट, ये 6 महीने का प्रोसेस कब होता है, अगर कोई न्यूरोलॉजिक, अगर कोई नर्व्स में कोई डेफिसिट, कोई कमी आ गई है, ठीक है, तो एंड देन मंथली फॉर मेंटेनेंस इनडेफिनेटली, और फिर उसके बाद मंथली में लगता रहता है एक, जिससे कि ताउम्र वो मेंटेन रहे उसका, अगर प्रॉब्लम आ चुकी है तो, ठीक है। तो ये रेजिमेन जो है अमेरिका वाली यूएसए की दे रखी है। देन कॉपर, कॉपर अगर देना है, हमें लग रहा है कॉपर की कुछ है इशू, तो 0.5-5 mg ऑफ कॉपर सल्फेट पर डे मे बी गिवन थेरेप्यूटिकली। देन आयरन आर टोटल ऑफ 200 mg एलिमेंटल आयरन, एलिमेंटल आयरन मतलब जो अपने प्योर रूप में, ठीक है। इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन 3-5 mg पर kg है गिवन डेली इन 3 divided dose, 3-5 mg 3 divided dose में, 3 parts में डिवाइड कर लेंगे और फिर उसको देंगे, ठीक है, ओके। हीमोपोएटिक रिस्पॉन्स प्रोवाइड डोज, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे दे रखा है आयरन के कुछ साल्ट दे रखे हैं, फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट जो पॉपुलर है काफी ज्यादा। डोज पर टेबलेट 200 mg होता है, 300 mg है, 200 mg है, 300 और ये 190। एलिमेंटल आयरन कितना है इसके अंदर, 65 mg, इसके अंदर 35 mg, इसके अंदर 65 mg, इसके अंदर 60 mg और इसके अंदर इतना दे रखा, तो ठीक है। ये चार्ट नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, ये सिर्फ इतना बताया कि जो हम लोग 200-200 mg की टैबलेट खाते ना, एलिमेंटल आयरन हमको प्योर आयरन उसमें से कितना मिल रहा है, ठीक है। मेन हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। फॉलिक एसिड का एक ले लेंगे, ठीक है, कोई एक इपोइटिन का ले लेंगे, देन विटामिन B12 ले लेंगे और आयरन का ले लेंगे, चार है हमारे पास, इन चारों की डोज। इसको और छोटा कर सकते हैं, सीधा सीधा याद रखेंगे 200 mg एलिमेंटल आयरन, ठीक है ना। और उसके बाद नीचे आ जाएंगे यहाँ पे 3 divided dose में, देन 30 mg पर डे प्रोफाइल एक्टिव डोज लिख करके 30 मिलीग्राम आयरन डेली, इस तरह से लिख करके इसका हम लोग डोज को क्या कर देंगे, मेंटेन कर देंगे, यानी कि एक लाइन दो लाइन में खत्म करेंगे। जरूरी नहीं है कि हम इसको पूरा ही लिखें, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम इसको पूरा ही लिखें। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। ओके, आगे आते हैं, ये चार्ट बनाना चाहो बना सकते हो। नेक्स्ट है इंडिकेशन। अब इंडिकेशन हमें पता ही है, खून की कमी, है ना। खून की कमी वाले कौन कौन से केसेस होते हैं, फॉलिक एसिड को दिया जाएगा, मैग्नोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, या मीथो 3J टॉक्सिसिटी, इसके केस में हमारा आरबीसी में कमी आ जाती है। टू इनहेंस एंटी कैंसर एफिकेसी ऑफ 5-फ्लोरोयूरेसिल, तो फॉलिक एसिड को हम लोग कब कब दे सकते हैं, मैग्नोब्लास्टिक एनीमिया में, मीथो 3J टॉक्सिसिटी में, या हमें कैंसर के केस में 5-फ्लोरोयूरेसिल की कैपेसिटी को बढ़ाना हो तो दे सकते हैं। इपोइटिन अल्फा बीटा एंड डर्मेपोइटिन अल्फा में क्या है, सिंपली अनीमिया ऑफ क्रोनिक एंड रीनल फेलियर, रीनल किडनी फेल होगी तो जाहिर सी बात है वहां पे क्या हमारा एरिथ्रोपोएटिन नहीं बनेगा, तो अनीमिया ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर विच इज ड्यू टू लो लेवल ऑफ EPO, मेनली जहां पर EPO एरिथ्रोपोएटिन का लेवल लो हो रहा है उसी केस में देंगे। तो अनीमिया सिंपल लिख लेना, अनीमिया ड्यू टू रीनल फेलियर, खेल खत्म,
किडनी में से तो बनता है हमारा एरिथ्रोपोएटिन. विटामिन बी 12 अगेन मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया. पायरिडॉक्सिन सिडरोब्लास्टिक एनीमिया. ठीक है, आयरन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. जो एनीमिया है उसी का नाम आगे दे देंगे, उसकी डेफिशिएंसी नाम याद हो गया. इन सब इंडिकेशन में हम इसको देंगे. कॉन्ट्रा इंडिकेशन अगेन आयरन. कुछ लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं. एनीमिया नॉट कॉज्ड बाय आयरन डेफिशिएंसी. अगर आयरन की वजह से डेफिशिएंसी है ही नहीं, एनीमिया है ही नहीं, और उस केस में अगर आयरन दोगे तो दिक्कत हो जाएगी. इसीलिए केवल हमें ध्यान रखना हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं है आयरन से, या एनीमिया आयरन की वजह से ही है किसी और वजह से. फॉलिक एसिड इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर यूज इन पेशेंट विद फॉलिक एसिड हाइपर सेंसिटिविटी. अगेन यहां पर क्या आ गया, फॉलिक एसिड हाइपर सेंसिटिविटी है तो नहीं देंगे. हु शुड नॉट टेक विटामिन बी 12. विटामिन बी 12 किसको नहीं दिया जाना चाहिए, लो अमाउंट ऑफ पोटेशियम. अगर पोटेशियम का लेवल ब्लड में कम है, लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक एट्रोफी है ना, एक टाइप की बीमारी है ये. इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक कॉल्ड एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस. हम कह सकते हैं पेट का इन्फ्लेमेशन है, तो सिंपल याद रखेंगे गैस्ट्राइटिस है. अगर एट्रोफिक भी भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, गैस्ट्राइटिस याद रखेंगे. गैस्ट्राइटिस मतलब पेट का अंदर इन्फ्लेमेशन हो रखा है. पास्ट हिस्ट्री ऑफ कंप्लीट रिमूवल ऑफ स्टमक. अगर किसी का स्टमक पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया तो खाएंगे तो जाएगा नहीं, तो हमें आईवी ही देना पड़ेगा, ध्यान रखना है. ठीक है, एरिथ्रोपोएटिन इट शुड बी यूज्ड कॉशियसली विद पेशेंट हु हैव अ हिस्ट्री ऑफ सीजर्स. तो एरिथ्रोपोएटिन को हमें किसमें ध्यान से देना है, जिन लोगों को सीजर. अब सीजर तो पता है अच्छे से, बहुत कायदे से पढ़ चुके हैं हम लोग. ठीक है, इन पेशेंट विद कैंसर रिसीविंग हार्मोनल एजेंट बायोलॉजिक प्रोडक्ट्स और रेडियोथेरेपी. और उन पेशेंट में भी इसको बड़े ध्यान से देना होगा जहां पर हार्मोनल, जिन जो पेशेंट होते हैं जो कैंसर वाले, उनको अगर हार्मोनल एजेंट दिए जा रहे हैं थेरेपी में, या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं, या रेडियोथेरेपी चल रही है, तो उस केस में भी रेडियो एरिथ्रोपोएटिन को हमें बड़ी ही सावधानी से सूझबूझ से देना है, अदरवाइज नहीं देना है. ठीक है, तो ये इसके क्या थे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन थे. ओके, तो अगेन ये हमारा एक छोटू सा चैप्टर खत्म हो जाता है, और ये अपना माइंड नेचर ऐप का एक छोटा सा सारा डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे मिलने वाली है. फिर मैं कह रहा हूँ बेटा, ठीक है, जो नोट्स हैं वो लिंक में दे रखे हैं YouTube के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ होता है वहाँ सभी चैप्टर्स के वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा नोट्स के लिए, वहाँ से डाउनलोड करें, पढ़े उसे. कोई नोट अगर नहीं है तो कई बार होता है लेट हो जाता है, तो एक दो दिन के अंदर आ जाएगा. ठीक है ना, बात अगर ये अपना ऐप है, ये मेरा नंबर इधर पे, कोई डाउट आता तो मुझे कॉल करें, और पढ़ाई करते रहें, रिवाइज करते रहें. ऑल द बेस्ट.